गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9th है और चैप्टर आज आपको हम पढ़ाएंगे 10 लाइनेक्स ऑफिस। लाइनेक्स ऑफिस, एक चीज आप लोग यहां ध्यान दीजिएगा कि जो ये चैप्टर है लाइनेक्स ऑफिस, अब देखो हम लोग एमएस ऑफिस पढ़े हैं, हम लोग 8th तक एमएस ऑफिस पढ़ते चले आए हैं, अब जो हम लोग पढ़ेंगे लाइनेक्स ऑफिस पढ़ेंगे। देखिए जैसे एमएस ऑफिस में एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेस, ये सारी चीजें पढ़े, वही चीज इसमें भी पढ़ना है। तो इसमें हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि काफी चीजें आप इसमें जानते हैं, और इसी चैप्टर के बाद जब हम लोग मींस एक्सेल, पावर पॉइंट पढ़ लेंगे, इसी के बाद तुरंत प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएगी और वो क्वेश्चन प्रोग्रामिंग जो होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही अच्छा है क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल ज्यादा है, मैक्सिमम न्यूमेरिकल मैथ की तरह पढ़ना है जिसे हम लोग कहते हैं सी लैंग्वेज। तो लाइनेक्स ऑफिस 2 वीडियो में खत्म हो जाएगा, मींस अगले मंडे से हम लोग सी लैंग्वेज पढ़ेंगे, तब तक ये लाइनेक्स ऑफिस हम लोग खत्म कर लेंगे। तो देखिए लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी ऑफिस में प्रयोग होने वाले सभी पैकेज उपलब्ध होते हैं। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑफिस में प्रयोग होने वाले सभी पैकेज उपलब्ध होते हैं। सभी पैकेज मतलब क्या हुआ, जैसे एमएस ऑफिस के सभी पैकेज होते हैं एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेस, ये सब चीज, ऐसे लाइनेक्स ऑफिस के में भी ऑफिस में सभी पैकेज होते हैं जो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। और या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मीन्स क्या होता है कि ये अपने से इंस्टॉल किया जाता है। जैसे एमएस ऑफिस क्या होता है, हम लोग की जरूरत है तो हम लोग अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, तो वैसे लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी, लाइनेक्स ऑफिस भी क्या होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो हम लोग मीन्स स्टार्ट करते हैं। अब इसके अवयव कौन कौन से हैं, तो देखिए ओपन ऑफिस राइट पहला है, इसके पैकेज। दूसरा है ओपन ऑफिस कैल्क है, CALC कैल्क। और तीसरा है ओपन ऑफिस इम्प्रेस। और चौथा नंबर आपका है ओपन ऑफिस ड्रा। और पांचवा लास्ट है ओपन ऑफिस मैथ है। ये 5 पैकेज होते हैं आपके लाइनेक्स ऑफिस के, और एमएस ऑफिस के भी 5 पैकेज हम लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, और हम लोग पढ़ते हैं ड्रा, मीन्स से वो भी पावर पॉइंट के कैटेगरी में आ जाता है। और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे मैथ पढ़ेंगे, जो एक्सेल का फार्मूला होता है, ठीक है, वो चीजें पढ़ेंगे, फार्मूला इसमें यूज होगा, मैथ का जो फार्मूला होता है। समझिएगा, जो ओपन ऑफिस राइटर होता है वो सेम वर्ड की तरह होता है जिसमें हम लोग टाइपिंग करते हैं, एमएस ऑफिस कैल्क होता है जो एक्सेल की तरह होता है जिसमें अकाउंटिंग संबंधित कार्य होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि टेबल बनाते हैं, उसको ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और कंडीशन को चेक कराते हैं, अकाउंटिंग से संबंधित कार्य हम लोग कैल्क में करेंगे, उसी को यहाँ पर लाइनेक्स में उसी का नाम कैल्क हो गया है, और वर्ड का वही नाम क्या हो गया, राइट हो गया है। और इम्प्रेस क्या होता है, पावर पॉइंट होता है, जैसे हम लोग एमएस ऑफिस में पावर पॉइंट पढ़ते हैं तो वैसे लाइनेक्स में हम लोग इम्प्रेस पढ़ेंगे। और लाइनेक्स ऑफिस ड्रा है, ड्रा मीन्स ये भी पावर पॉइंट की तरह होता है जिसमें हम लोग ग्राफ के द्वारा किसी पिक्चर को क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। और मैथ क्या होता है, जैसे कोई पेपर बनता है तो मैथ का फार्मूला यूज होता है, मैथ के फार्मूले कितने होते हैं तो उसको टाइप नहीं किया जाता, उसका एक सॉफ्टवेयर होता है अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है सिस्टम में, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग किसी भी फार्मूला को हम लोग राइट कर सकते हैं। अब एक एक चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, तो पहला पढ़ेंगे ओपन ऑफिस राइट क्या होता है। यह ओपन ऑफिस राइट शब्द प्रक्रिया प्रोग्राम है। तो ओपन ऑफिस राइट शब्द प्रक्रिया प्रोग्राम क्यों है,
क्योंकि इसमें हम लोग जब टाइप करते हैं तो जो इतने वर्ड टाइप करेंगे, जितने करेक्टर टाइप करेंगे, वो वर्ड में चेंज होता चला जाता है। शब्द प्रक्रिया का अर्थ क्या होता है? शब्द प्रक्रिया का अर्थ मतलब शब्दों के समूह पर विभिन्न प्रकार के क्रिया करना और उनसे बनने वाले दस्तावेज को तैयार करना तथा उन्हें व्यवस्थित करना। मतलब कि ओपन ऑफिस राइटर क्या होता है कि शब्द प्रक्रिया प्रोग्राम है। मीन्स इसमें क्या होता है, शब्द प्रक्रिया का अर्थ होता है कि जिसमें हम लोग कोई भी चीज़ लिखेंगे और लिखने के बाद उस पर प्रोसेसिंग होगी और प्रोसेसिंग होने के बाद एक दस्तावेज बनेगा, एक डॉक्यूमेंट बनेगा, एक एप्लीकेशन बनेगा जिसे हम लोग व्यवस्थित करते हैं। दूसरा है कैल, यह एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। बहुत सही, स्प्रेडशीट। तो देखो स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट मींस क्या होता है, जिसमें रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से टेबल बनती है, तो स्प्रेडशीट है। तो यह एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसकी सहायता से अकाउंटिंग का कार्य किया जाता है। इसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, जिसमें मतलब जोड़ गुणा भाग घटाना या अकाउंटिंग संबंधित कोई भी कार्य कर सकते हैं। और क्या होता है, इस प्रोग्राम का उपयोग अंकों की तालिका बनाने में या संशोधन करने में, या मीन्स मैथमेटिकल मतलब कि कुछ गणितीय क्रिया जैसे जोड़ना है घटाना है, ये सब भी हम लोग अकाउंटिंग में करते हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है ओपन ऑफिस इम्प्रेस, तो ये क्या होता है, यह एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो इम्प्रेस में भी हम लोग प्रेजेंटेशन बनाएंगे। तो जिसमें क्या होती है, स्लाइड्स होती है, स्लाइड के माध्यम से हम लोग कोई भी पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओपन ऑफिस ड्रा क्या होता है, यह एक मींस ड्राइंग प्रोग्राम होता है जिसकी सहायता से किसी भी चित्र को बनाया जाता है। और ओपन ऑफिस मैथ क्या होता है, यह प्रोग्राम गणितीय सूत्र लिखने में हमारी सहायता करता है। जो आपका ओपन ऑफिस मैथ होता है, यह मीन्स क्या होता है, इसमें हम लोग कोई भी मैथमेटिकल फार्मूला का यूज कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, ओपन ऑफिस राइट का एक सहायक टूल है। ओपन ऑफिस जो राइट है उसी में ये इंस्टॉल किया जाता है। और क्या होता है, जिसकी सहायता से तैयार किए गए विभिन्न सूत्रों को ओपन ऑफिस राइट फाइल में हम लोग प्रविष्ट कर सकते हैं। मैंने बताया ना कि स्प्रेड जो होता है, इस ओपन ऑफिस मैथ जो होता है, ये आपका अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है जिसमें मैथमेटिकल फार्मूलेज होते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद इसमें एक एक चीज़ हम लोग पढ़ते चलते हैं, देखिए, क्योंकि ये आप लोग 8 तक पढ़ते चले आए हो, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें 8th की दे दिया है और 8th में आप लोग ऑफिस पावर पॉइंट एक्सेल ये सब चीजें पढ़ लियो। तो अगला आता है शब्द प्रक्रिया क्या होता है, शब्द प्रक्रिया वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है। तो देखिए वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, यह एक ऐसी तकनीक है जिससे कंप्यूटर की सहायता से शब्दों पर सुव्यवस्थित किया जाता है, शब्दों को देखिए शब्द प्रक्रिया मतलब शब्दों को मीन्स क्या किया जाता है, सुव्यवस्थित। मतलब कि जैसे हमने लिखा दीपक की जगह गुड बॉय, तो पहले दीपक लिखेगा, फ्रीज लिखेगा, फिर ये लिखेगा, फिर गुड, फिर बॉय, तो उसको क्या करेगा, एक व्यवस्थित करता चला जाएगा कंप्यूटर। मतलब एक सीक्वेंस में जैसे आप लिखते जाओगे, टाइपिंग करोगे, वैसे लिखते चला जाएगा। शब्द प्रक्रिया की सहायता से किसी दस्तावेज को तैयार किया जाता है। शब्द प्रक्रिया मतलब क्या हो, जब हम लोग टाइपिंग करते रहते हैं तो लास्ट में एक डॉक्यूमेंट हमारा एप्लीकेशन तैयार हो जाता है। और दस्तावेज में हम लोग जो दस्तावेज बनाते हैं उसमें संशोधन कर सकते हैं, कोई चीज़ अगर गलत है तो उसको हम लोग दोबारा लिख सकते हैं। और इसमें दस्तावेज को हम लोग प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, मतलब छाप भी सकते हैं। शब्द प्रक्रिया की सहायता से निम्नलिखित कार्य किया जाता है, तो देखिएगा, पहला कार्य होता है टाइपिंग, क्या होता है टाइपिंग। दूसरा काम होता है मॉडिफाई, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं संशोधन। और तीसरा काम है फॉर्मेटिंग, और चौथा है सेव करना, और पांचवा है प्रिंट करना।
अब देखो शब्द प्रक्रिया के निम्नलिखित कार्य होते हैं। पहला टाइपिंग होता है। टाइपिंग मीन्स क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि किसी दस्तावेज में टेक्स्ट टेक्स्ट को कीबोर्ड द्वारा टाइप करते हैं। देखो जब भी आप सिस्टम पे जाते हो तो सबसे पहले कीबोर्ड द्वारा आप लोग क्या करते हो, टाइप करते हो। कोई मैटर टाइप कर लिए, टाइप करने के बाद एक पेज दो पेज टाइप कर लिए, उसके बाद आप उसमें देखते हो कहीं हमने गलती तो नहीं किया, तो उसको क्या करते हो, मॉडिफाई करते हो, संशोधन करते हो। और संशोधन करने के बाद उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेटिंग मीन्स क्या होता है, अपने मन चाहे तरीके से उसको बदलना, मतलब कलर चेंज करना, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना, और बॉर्डर देना, पेज का कलर चेंज करना, ये सब चीज़ें। फॉर्मेटिंग मीन्स क्या होता है, जैसे कि आप टाइपिंग भी कर लिए, संशोधन भी कर लिए, तैयार हो गया, उसके बाद फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेटिंग मीन्स क्या होता है, फॉर्मेटिंग मीन्स होता है कि जैसे कोई भी चीज़ आप लिखे तो उसको सजाना। फॉर्मेटिंग को शुद्ध कहिए तो सजावट होता है। सजावट मीन्स उसको कलर करना, उसका पेज कलर करना, बॉर्डर लगाना, उसकी फॉन्ट साइज कम करना, बड़ा करना और सेव करना। जब आप बना लिए, संशोधन कर लिए, फॉर्मेटिंग कर लिए तो उसको सेव कर देते हैं, और सेव करने के बाद उसे क्या करते हैं, हम लोग प्रिंट आउट ले लेते हैं। कोई दिक्कत इसमें? अब आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है ओपन ऑफिस राइट का। ओपन ऑफिस राइट का परिचय। शुरू में हमने बता दिया था ओपन ऑफिस राइट में क्या करते हैं, कोई भी दस्तावेज तैयार किया जाता है। तो यहाँ ओपन ऑफिस राइट क्या होता है, एक शब्द प्रक्रिया प्रोग्राम होता है जिसकी सहायता से किसी भी शब्दों पर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं और उससे हम लोग किसी भी दस्तावेज को तैयार कर सकते हैं। अब देखिए ओपन ऑफिस राइट के भी कार्य क्या कौन से होते हैं, मैंने अभी अभी बताया टाइपिंग, टाइपिंग होता है। दूसरा मॉडिफाई होता है, मतलब कि संशोधन करना। और तीसरा क्या होता है, फॉर्मेटिंग करना। और चौथा आपका होता है सेव करना। और पांचवा नंबर होता है उसे प्रिंट करना। ये पांच काम ओपन ऑफिस राइट में भी किया जाता है। तो अब ओपन ऑफिस राइट का एक व्हाट यू सी व्हाट यू गेट प्रोग्राम कहलाता है। देखिए जो ओपन ऑफिस राइट है इसको हम लोग WYSIWYG कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। अब मतलब क्या हुआ, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट प्रोग्राम है, मतलब क्या हुआ कि आपने जो किया वो आपको दिखा, आपको प्राप्त किया, आपने जो काम किए हैं वो आपको दिखा और बाद में उसको आप लोग प्राप्त भी कर सकते हैं। आप देखिए ओपन ऑफिस राइट को प्रारंभ करना, इसके कार्य भी इतने हैं पांच ही जो मैंने ऑलरेडी बता चुके हैं। आप देखिए ओपन ऑफिस राइट को प्रारंभ करना, तो ओपन ऑफिस राइट को जैसे एमएस वर्ड को प्रारंभ करने के लिए स्टार्ट पे जाते हैं, ऑल प्रोग्राम पर, एमएस ऑफिस पर, फिर उसके टूल होते हैं, वैसे ओपन ऑफिस राइट को प्रारंभ करना, प्रारंभ करना। तो देखिए ओपन ऑफिस राइट को प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले KDE डेस्कटॉप पर जाएंगे। मैंने KDE बताया है लिनक्स में कि उसके दो डेस्कटॉप होते हैं, KDE होता है और एक क्या होता है, जीनोम होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर आपका KDE होता है जो दातेदार पहिए का चित्र होता है जिसमें KDE लिखा होता है। तो अगर ओपन ऑफिस राइट को प्रारंभ करना है तो KDE के लोगों पर जाएंगे, उसके बाद क्लिक करेंगे तो एक मेनू खुलेगा जिसमें लिखा रहेगा लिनक्स ऑफिस। लिनक्स ऑफिस पर क्लिक करेंगे तो उसके पांच पैके जाएंगे जिसमें आपका राइट होगा, इम्प्रेस होगा, कैल्क होगा, ड्रा होगा, मैथ होगा। तो सबसे पहले आप राइट पर क्लिक करेंगे तो वो आपको क्या हो जाएगा, आपका ओपन हो जाएगा। अब इसमें देखिए ओपन ऑफिस राइट के अवयव, ओपन ऑफिस राइट जब ओपन करेंगे तो के अवयव ओपन ऑफिस राइट के अवयव एलिमेंट्स ऑफ ओपन ऑफिस राइट,
जिसके अवयव क्या होते हैं। तो पहला अवयव देखिए, आप जब कोई भी प्रोग्राम खोलते हैं, चाहे वो ऑफिस में लिनक्स में खोलिए, चाहे विंडोज में खोलिए, तो सबसे पहले आपको टाइटल बार होता है। पहला क्या होता है? टाइटल, टाइटल बार होता है। टाइटल बार होता क्या है? यह विंडोज की सबसे ऊपर होता है, मतलब कि ये क्या होता है, विंडोज का सबसे ऊपर की पट्टी होता है। और ये होता क्या है, जब आप कोई प्रोग्राम खोलते हैं तो जैसे आपने खोला तो यहाँ पर तो सबसे ऊपर जैसे आपने खोला मतलब एमएस वर्ड, तो यहाँ पर लिख कर आ जाता है ब्लू पट्टी में एमएस वर्ड। और इसके साइड में तीन बटन होते हैं, एक होता है मिनिमाइज, एक होता है मैक्सिमाइज, और एक क्या होता है, क्लोज होता है। अब इसके बाद दूसरा आता है मेनू बार। दूसरा आएगा मेनू बार। मेनू बार क्या होता है, टाइटल बार के जस्ट नीचे की जो पट्टी होती है उसे हम लोग मेनू बार कहते हैं, जिसमें फाइल होता है, एडिट होता है, व्यू होता है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मेनू बार कहते हैं। और देखो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपका फिर अब इसमें फाइल है, एडिट है, व्यू है, तो ये सब आपको पता है कि फाइल का उपयोग किसी फाइल को बनाने के लिए किया जाता है, मीन्स फाइल मेनू से। अब एक एक चीज इसमें, जैसे फाइल पढ़ना है तो फाइल मेनू में फाइल प्रबंधन से संबंधित मेनू व आदेश होते हैं। इस मेनू जो फाइल होता है, तो मेनू में जो पहला होता है फाइल होता है, इसका शॉर्ट के Alt प्लस F होता है, Alt प्लस F दबाएंगे तो खुल जाएगा। और इसके बाद दूसरा है एडिट। एडिट में भी क्या होता है, इस मेनू में भी दस्तावेज में किए जाने वाले संशोधन से संबंधित मेनू होते हैं। संशोधन मतलब क्या होता था कि जैसे कोई चीज बना ली उसको संशोधन करना है, चेंज करना है, तो एडिट में जाएंगे। और इसका शॉर्ट की होता है Alt प्लस E होता है। अब इसके बाद होता है आपका इंसर्ट। तीसरा होता है इंसर्ट। इंसर्ट मीन्स क्या होता है कि इस मेनू में दस्तावेज को स्क्रीन पर प्रदर्शित करने से संबंधित कार्य होते हैं। इंसर्ट करना मतलब कोई चीज इंसर्ट करना, डालना, तो इसका शॉर्ट की होता है Alt प्लस वी होता है। Alt प्लस वी और नहीं, Alt प्लस आई होता है, इंसर्ट है ना, Alt प्लस आई होगा। अब देखिए इसके बाद जो आपका होता है फॉर्मेट होता है। क्या होता है? फॉर्मेट। मेनू बार के अंदर ये चीजें पढ़ रहे हैं हम लोग। इसके बाद क्या होता है फॉर्मेट। तो देखिए फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट मेनू में दस्तावेज से संबंधित मीन्स फॉर्मेटिंग की चीजें होती हैं। जैसे मतलब कि कलर चेंज करना है, बॉर्डर निकालना है, या मीन्स पेज कलर चेंज करना है, फॉन्ट साइज चेंज करना है, तो ये सब चीज़ें आपको किस टूल में मिलेंगे, फॉर्मेट में। और इसका शॉर्ट की होता है Alt प्लस F होता है। अब इसके बाद अगला है, अगला आपका है टूल। जो अगला है वो आपका है टूल्स। टूल्स मीन्स क्या होता है, इस मेनू में मतलब कि वर्तनी जांच या व्याकरण या मर्ज करने के लिए किया जाता है। जैसे कि कोई मेलिंग मिस्टेक है उसको चेक करने के लिए इस टूल्स का उपयोग किया जाता है। इसका शॉर्ट की Alt प्लस टी होता है। अब इसके बाद है विंडो। विंडोज क्या होता है, ये मतलब कि मेनू बार में विंडोज के संशोधन एवं नियंत्रण संबंधित, मतलब कि जो कोई भी चीज खोलिए उससे संबंधित वो कार्य, मतलब कि उससे रिलेटेड जो भी चीजें होता है वो आपको मेनू में मिलेगा। इसका शॉर्ट की होता है Alt प्लस W। और लास्ट है हेल्प। एक चीज याद रखिएगा, यही सेम प्रोसेस आपके इम्प्रेस में भी होगा और पावर पॉइंट मीन्स और स्प्रेडशीट में भी होगा। तो हेल्प क्या होता है कि अगर आप इससे कोई चीजें, इस दस्तावेज से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं तो हेल्प ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और जिसका शॉर्ट की होता है विंडो में F1 होता है, और जो लिनक्स होता है इसमें Alt प्लस H होता है। अब देखिए इसके बाद, ये तो इतने अवयव होते हैं। अब देखिए इसके बाद होता है फंक्शन बार। इसी में तो फंक्शन बार,
तो फंक्शन बार क्या होता है, यह मेनू बार के, मेनू बार पढ़ चुके हैं, मेनू बार के जस्ट नीचे की जो पट्टी होती है वो फंक्शन बार होता है। फंक्शन बार मीन्स जिसमें आपके क्या होते हैं, जैसे छोटे छोटे शॉर्टकट होता है, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, ये सब फंक्शन बार में होता है। अब ऑब्जेक्ट बार होता है, ऑब्जेक्ट बार क्या होता है, या फंक्शन बार के नीचे की जो पट्टी होती है वो ऑब्जेक्ट बार होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं। जैसे कलर चेंज करना है, देखो आप लोग किए होंगे तो कलर आ जाता है, उसकी साइज आ जाता है, बॉर्डर आ जाता है, ये सब चीज़ें होता है। अब इसके बाद है प्रारंभ, ओपन ऑफिस में कार्य को प्रारंभ करना। ओपन ऑफिस से राइट में, ओपन ऑफिस राइट में कार्य प्रारंभ करना। तो देखिए ओपन है, जैसे विंडोज में आप लोग कार्य करते हैं, ऐसे हम लोग इसमें भी ओपन ऑफिस राइट में भी कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। कि मीन्स ओपन ऑफिस राइट एक शब्द प्रक्रिया प्रोग्राम है। यह प्रक्रिया का अर्थ होता है शब्दों के समूह पर विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करना और उससे बने दस्तावेज को तैयार करना। तो इसमें कार्य कैसे प्रारंभ करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ता है, नया दस्तावेज। पहला क्या होता है, नया दस्तावेज, और दूसरा क्या होता है, दस्तावेज को सेव करना, और तीसरा क्या होता है, पहले से बना दस्तावेज खोलना। देखिए लाइनेक्स में जो कार्य प्रारंभ करना है हमें राइट पर या मीन्स वर्ड पर, तो सबसे पहले आप लोग एमएस ओपन ऑफिस राइट को ओपन करोगे तो सबसे पहले एक न्यू पेज लोगे। न्यू पेज लेने के बाद उसको में टाइप करोगे, टाइप करने के बाद उसे सेव कर दोगे, और सेव करने के बाद अगर आपको पहले से कोई फाइल बनी है उसको खोलना है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। अब देखिएगा आगे, इसके बाद है करेक्टर फॉर्मेटिंग करना। देखिए करेक्टर की फॉर्मेटिंग करना, फॉर्मेटिंग मीन्स बताया मैंने सजावट, फॉर्मेटिंग करना। तो देखिएगा दस्तावेज में लिखे टेक्स्ट की फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट फेस आदि को बदलने के लिए हम लोग करेक्टर फॉर्मेटिंग का उपयोग करते हैं। अब इसके बाद है दूसरा पैरा ग्राफ फॉर्मेटिंग। अब पूरा पैराग्राफ मीन्स जैसे एक पैराग्राफ सिलेक्ट कर लो, एक पैराग्राफ पूरा सिलेक्ट करने के बाद उसे आप लोग क्या करिए, उसकी फॉर्मेटिंग मीन्स फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फेस या बॉर्डर लगाना चाहते हो तो हम लोग पैराग्राफ फॉर्मेटिंग ही होता है। और इसके बाद है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग मीन्स क्या होता है, इसमें हम लोग दस्तावेज के पेजों की मार्जिंग डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में दस्तावेज को पेजों की मार्जिन करते हैं, मतलब कि लेफ्ट में कितना लेना है, राइट में कितना लेना है, टॉप पर कितना लेना है, बॉटम में कितना लेना है, और कागज का आकार और कागज को निर्धारित करने का लेआउट। लेआउट मीन्स क्या होता है कि कितना बड़ा, कितना ओरिएंटेड लेआउट लेना है कि सिंपल लेआउट लेना है, ये होता है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में। ये आपका चैप्टर खत्म हो गया है। अब आपको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। इसके बाद एक और चैप्टर है स्प्रेडशीट। अगले वीडियो में इसको खत्म कर दूंगा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सी लैंग्वेज।